जय श्री कृष्णा। आज हम श्री कृष्ण जी का पारिजात पेड़ सहित द्वारिका आगमन उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। वैश्वपायन जी ने कहा, हे नरेश्वर, तत्पश्चात सूर्योदय होते ही महामनस्वी श्री कृष्ण ने बिल्व गंगा जल शिव जी को अर्पित किए और नमन करके अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए आधमके। देवराज इंद्र का युद्ध के लिए आह्वान किया। देवेंद्र भी अपने बेटे जयंत सहित उत्तम घोड़ों से जूते रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि पर आकर रुक गए। दोनों पक्षों में फिर से युद्ध संग्राम आरंभ हो गया। दोनों वीर नायक देवेंद्र और श्री कृष्ण ने परस्पर प्रहार नहीं किए, बल्कि सैनिकों और वाहनों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जनार्दन ने महेंद्र के एक एक अश्व को दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित कर 10-10 तीखे वाणों से घायल कर दिया, दूसरी ओर से अमरश्रेष्ठ देवेंद्र ने भी दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित कर भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के शिव्यादि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र के मस्त हाथी एरावत पर सहस्रों बाण बरसाए, तो इंद्र ने हरि के वाहन गरुड़ पर हजारों बाणों की वर्षा की। पक्ष विपक्ष दोनों ओर से भयानक संग्राम होता रहा। दिन भर पृथ्वी डोलती रही, पर्वत कंपित रहे, वायु आंधियों में परिवर्तित हो गया, पेड़ों पर पेड़ गिरते रहे, सभी ग्रह परस्पर टकराते रहे, नक्षत्र टूट टूट कर गिरते रहे, बादल लाल रक्तम रंग में रंग कर आकाश मंडल पर छा गए, उल्काएं गिरने लगी, रक्तम वर्षा होती रही। मुनिगण जगत के हित की कामना से मंत्रों का जप करने लगे। तब महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने कश्यप से कहा, सुव्रत, आप बहु अदिति को संग लेकर जाओ और दोनों पुत्रों में युद्ध विराम करवाओ। तत्काल कश्यप जी ब्रह्मा जी से बहुत अच्छा कहकर अदिति को साथ लेकर संग्राम स्थल पर जाकर खड़े हो गए। युद्ध स्थल पर माता पिता दोनों को देखकर दोनों ओर से महाबली वीर अपने रथों से उतर कर पृथ्वी पर आ गए। दोनों वीरों ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर माता पिता को प्रणाम किया। तभी अदिति ने कहा कि आप दोनों ही सौतेले भाइयों की तरह एक दूसरे का वध करने पर क्यों तुले हो? यह सर्वदा अनुचित है। यदि आप दोनों को अपने माता पिता में अनुराग है तो शीघ्र इस युद्ध को बंद कर दीजिए। दोनों पक्षों में युद्ध विराम हो गया। श्री कृष्ण व देवेंद्र दोनों परस्पर वार्ता करते हुए गंगा स्नान को चल दिए। राह चलते में इंद्र ने श्री कृष्ण को समझाया, आप सारे संसार की उत्पत्ति करने वाले हो, आपने ही मुझे सकल त्रिलोकी का राज्य सौंप कर स्वर्ग में स्थापित किया, अब किस लिए मेरा अपमान कर रहे हो? तुम मुझसे छोटे होकर भी मेरी ज्येष्ठता को दूर हटाकर मेरे जीवन दीप को क्यों बुझा देना चाहते हो? दोनों ने गंगा जी में स्नान किया और पुनः माता पिता के श्री चरणों में आविराजी। वहां से सभी लोग देवताओं के संग देवलोक में आ गए। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अपने सास ससुर का उचित एवं विधिपूर्वक सम्मान किया। रात्रि व्यतीत हो गई तो प्रभात काल में माता अदिति ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुत्र, अब तुम द्वारिका जाओ, इस पुण्य रूप पारिजात वृक्ष को साथ लेते आओ। द्वारिका जाकर बहु सत्यभामा के हृदय में जो पुण्यक नामक व्रत का उद्यापन करने की इच्छा है उसे पूर्ण करवाओ। पुरुष श्रेष्ठ, तत्पश्चात जब सत्यभामा का व्रत अनुष्ठान संपूर्ण हो जाए तो पुनः इस पारिजात वृक्ष को नंदनवन में ले जाकर यथोचित स्नान पर स्थापित कर देना। श्री कृष्ण जी ने यशस्विनी देव माता अदिति से, जिन्हें महात्मा नारद जी ने धार्मिक गुणों से संपन्न बताया था, कहा, माता ऐसा ही होगा। नारद आदि उपस्थित सभी देवताओं ने इस वार्ता का समर्थन किया। श्री कृष्ण अपने माता पिता भाई देवराज इंद्र का व भाई भाभी इंद्राणी को प्रणाम करते हुए पारिजात के साथ द्वारिका आ गए। आइए अब हम षटपूर्व वर्णन और वहां के दैत्यों का श्री कृष्ण से युद्ध के बारे में वर्णन करेंगे। वैश्वपायन जी ने नृपराज जन्मेजय को षटपूर्व विवाह के दैत्यों के विषय में वर्णन करते हुए बताया कि एक बार भगवान शंकर का असुर त्रिपुर से भीषण युद्ध हुआ। उस भीषण संग्राम में 60 लाख से भी बढ़कर बलवान असुरों ने भाग लिया। भगवान शंकर ने शेष सभी असुरों की अनदेखी करते हुए केवल त्रिपुर को ही सिर में अग्नि देकर भस्म कर दिया था। बस एक इसी की मृत्यु ने से सभी राक्षस गण मारे
भय के त्रस्त हो गए। अंततः उन्होंने जम्बू द्वीप के मार्ग में सूर्य की ओर मुख करते हुए 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी के लिए कठिन तप किया। इस अंतराल में वे केवल वायु का ही भक्षण करते रहे। कोई असुर कहीं, कोई कहीं बैठ कर, कोई गुलर अथवा वट वृक्ष के नीचे, तो कोई श्रृंगालवाटी पेड़ की छाया में तपस्या एवं उपासना में बैठा रहा। कुछ काल के पश्चात देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर वर देने हेतु आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन दैत्यों ने कोई अच्छा प्रकट नहीं की। वे तो रुद्र से बदला चुकाकर अपने भाई बंधु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो सकल जगत के संहारक हैं उनसे बदला कैसे लिया जाए, और उनसे बदला कैसा, कौन है जो उनसे बदले की बात कर सके। अतः उन्हें मार सकने में आप सफल नहीं हो सकते, इसलिए कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर तो जो दानव शिव शक्ति से प्रभावित थे वे सब वो ब्रह्मा जी के इस वाक्य से सहमत होकर शांत हो गए। लेकिन जो दानव शिव जी से वैर भाव बनाए रखना चाहते थे उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, हमें देवगण ना मार सके तथा हमारे लिए पृथ्वी के नीचे सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण षटपुर बनवा दिया जाए, जहाँ की हम सब मिलकर निवास कर सकें। इस प्रकार हम शिवजी के भय से मुक्त होकर रह लेंगे। ब्रह्मा जी ने दानवों की बात मानने से पूर्व एक दुविधा डाल दी कि ऐसा तभी होगा यदि आप सन्मार्ग पर चलने वाले सत्य पुरुष ब्राह्मणों को कभी बाधा नहीं पहुंचाओगे। यदि मोहशव किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी तो आप सबका विनाश भी अवश्य होगा। इस पर जो राक्षस ब्रह्मा जी के बात मानकर शांत हो गए वे सभी शंकर जी के शरणागत हुए और शिवलोक को प्राप्त हो गए। इसी षटपुर में जो अर्वता नदी के तट पर स्थित है वहाँ एक बार वेदज्ञ याज्ञवल्क्य के शिष्य ब्रह्मदत्त ने एक वर्षीय अश्वमेघ यज्ञ आरम्भ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर वासुदेव व देवकी भी यज्ञ की तैयारी के लिए षटपुर आ गए। इस यज्ञशाला में अनेक दृढ़व्रती महात्मागण जैसे वेद व्यास, यज्ञवल्क्य, सुमंत, जैमिनी, जाबाली, देवल आदि महर्षि उपस्थित हुए। यज्ञ का अनुष्ठान विधिवत आरंभ हुआ। सभी षटपुर निवासी दानव निकुंभ आदि वहां आधम के, हे राजन, हमारे लिए भी इस यज्ञ का भाग निकाला जाए, हम सोम रस पान करेंगे। यजमान ब्रह्मादत्त, तुम अपने हमें अपनी कन्याएं दीजिए। इनके अतिरिक्त जो भी श्रेष्ठ रत्न आदि आपके पास हैं सब हमें सौंप दे। ऐसा आदेश पाकर ब्रह्मदत्त बोले, हे दानवो, तुम लोगों को यज्ञ में से दान देने अथवा सोम रस पीने पिलाने का विधान शास्त्रों में कहीं नहीं है, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जहाँ तक बहुमूल्य रत्नों आदि का संबंध है सो आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं। यज्ञ के समाप्ति पर दान दक्षिणा में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप उच्च श्रृंखल बनकर उन्हें भी नहीं ले सकोगे। कन्याओं वाली बात आपको शोभा नहीं देती, वे तो सभी अपने पूर्व निश्चयानुसार अपने योग्य पतियों को ही प्राप्त होंगी। निकुंभ आदि दानवों के लिए राजा ब्रह्मदत्त की बातें क्या माने रखती हैं। उन्होंने जो तुरंत यज्ञ को भंग कर दिया, सब कुछ लूट पाट कर कन्याओं को बालात अपने साथ ले गए। वासुदेव जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण व प्रद्युमन का ध्यान कर इन्हें वहां बुलवाया। श्री कृष्ण जी ने प्रद्युमन को तत्काल कन्याओं की रक्षा का भार सौंप दिया। प्रद्युमन ने भी तुरंत सेना लेकर दानवों तक पहुँच बनाई और उन्हें मायावी कन्याएं सौंप कर ब्रह्मदत्त की कन्याओं को छुड़ा लिया। दानव अपने नगर को प्रस्थान कर गए। इधर यज्ञ विधिवत संपन्न हो गया। यज्ञ में विराजमान हुए अनेक राजागण जो आमंत्रित थे, ऐसे जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आदि भी षटपुर के निकट ही ठहराए गए थे। महर्षि नारद जिन्हें स्वअवसर जानकर कि यहाँ पर सभी राजा महाराज बैठे हैं अतः उनमें युद्ध करवाने की युक्ति पर विचार किया है, वे तत्काल दानवराज निकुंभ के पास गए। निकुंभ
आदि सबके सब ने नारद जी का हार्दिक स्वागत किया। उन्हें पवित्र आसन पर आसीन किया। नारद जी बोले, हे दानवो, आप लोग दानवों से शत्रुता करके भी कान दबाकर सोए हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मदत्त की श्री कृष्ण जी से घनिष्ठ मित्रता है। कृष्ण जी से मित्रता के कारण ही वह आपसे अपनी 500 कन्याएं वापस लौटा ले गए। इनमें ही 200 कन्याएं ब्राह्मण हैं, 100 क्षत्रिय और 100 वैश्य हैं और 100 शूद्र हैं। इन सभी कन्याओं के भी दुर्वासा जी की आशीष के कारण एक एक पुत्र व एक एक कन्या प्राप्त हुए हैं। इनमें से 400 कन्याएं ब्रह्मदत्त ने यादवों को दे दी और शेष में से भी एकमात्र 100 को आप उठाकर ले सके हो। बाकी 400 कन्याओं को प्राप्त करना चाहो तो यहाँ पर आए हुए यादव राजाओं से युद्ध करके आप प्राप्त कर सकते हैं। शेष राजाओं को आप रत्नों आभूषणों का लोभ देकर अपने साथ कर लीजिए। नारद जी ने कि इस परामर्श से दानवगण फूले ना समाए। दानवगण ने अन्य राजाओं को प्रचुर मात्रा में रत्न देकर और 500 कन्याएं उपलब्ध कराकर उनसे संधि कर ली। वह यादवों के विपक्ष में युद्ध हेतु उनसे वचन ले लिया कि वे दानवों के साथ प्राय सहायक बनकर कार्य करेंगे। सभी साथी राजाओं ने कन्याओं व रत्नों को बांट लिया। पांडवों ने इस बांट में हिस्सा नहीं बंटाया। उन्होंने यादवों के विरोध में युद्ध में भाग लेने से भी मना कर दिया। अन्याय राजाओं ने इस यज्ञशाला में ही दानवों का पक्ष लेते हुए युद्ध आरंभ कर दिया। तब तक श्री कृष्ण जी भी अपनी विशाल सेना लेकर शठपुर में आ पहुँचे। वासुदेव जी से परामर्श करके उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव यज्ञशाला के निकट डालकर चारों ओर की सुरक्षा चौकियां स्थापित कर ली और वहां की सुरक्षा का पूरा भार प्रद्युम्न को सौंप दिया। भोर होते ही श्री कृष्ण, बलराम एवं सात्यक आदि योद्धाओं ने आरवती नदी में स्नान करके विल्व जल अर्पण करके भगवान शिव के शुभ दर्शन कर शुद्ध युद्ध की तैयारी में लग गई। सेना के अग्रिम भाग पर प्रद्युम्न को स्थापित किया। यज्ञशाला की रक्षा में पांडवों को लगा दिया। गुफा के द्वार पर शेष बची हुई सेना को रोककर आकाश मार्ग का अदायित्व जयंत एवं प्रवर नामक ब्राह्मण को सौंप दिया। अपनी ओर से सारी तैयारी संपूर्ण करके युद्ध का डंका बजा दिया। सांब और गद ने मकर व्यूह बनाकर सारण, उद्धव, भोज, वैत्रण, अनाधृष्ट, पृथु, विप्रथु, कृतवर्मा एवं विचक्षु आदि को नियुक्त कर दिया। सनंत कुमार एवं चारुदेशन जी अनिरुद्ध के साथ मिलकर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा में जुट गए। हे अपने कुल की वृद्धि करने वाले नरेश, वैशंपायन जी बता रहे हैं कि रथों, घोड़ों, हाथियों से सुसज्जित सेना का एक विशेष भाग अपनी यादव सेना इस मकर व्यूह के मध्य भाग में तैयार खड़ी है। तदंतर युद्ध के बाजे सुनकर छठपुर से विदानव समूह बाहर निकले। कुछ मेघों के समान गंभीर शब्द करने वाले गधों और हाथियों पर आरूढ़ थे। कुछ मकरों, भैंसों, गैंडों, ऊँटों और कछुओं पर भी सवार हुए शोर मचाने लगे। कुछ के पास सुंदर जूते हुए रथ भी थे। वे सभी नाना प्रकार आयुधों से सुसज्जित थे। युद्ध के लिए उद्धत हुई इस सेना में से पहले निकुंभ असुर निकला, मानो देवताओं के आगे इंद्र चल रहे हों। वे सब बलशाली दानव नाना प्रकार का सिंहनाद करते, गर्जन पैदा करते, जिससे धरती गगन गूंजने लग जाते। असुरों की सहायता का वचन दिए हुए चैदिराज शिशुपाल के नेतृत्व में अनेक राजा इकट्ठे हो गए। दुर्योधन आदि 100 भाई, राजा द्रुपद, रुक्मी आदि सभी युद्ध का निश्चय करके वहाँ डट गए। शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, त्रिगत राज, सुशर्मा और राजा विराट सभी विजय की आशा अभिलाषा पालते हुए निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए उद्धत हुए थे। युद्ध आरंभ हो गया। निकुंभ यादवों की सेना को नष्ट करने लगा। अनाधृष्टि ने निकुंभ को असहाय कर दिया तो निकुंभ ने माया ने से अनाधृष्टि को मूर्छित कर दिया और उसे लेकर गुफा में चला गया।
इसी प्रकार निकुंभ स्वयं को अदृश्य रखते हुए बारी बारी से कृतवर्मा, चारुदेशन, वैतरण, सनत कुमार आदि को उठाकर गुफा में से ले जाकर माया से मूर्छित कर देता। निकुंभ के इस कर्म से श्री कृष्ण बलराम जी तथा सात्विक आदि ने भीषण क्रोध करते हुए दानवों का नाश करना आरंभ कर दिया। दानवराज दानवगण श्री कृष्ण के समीप ठहर नहीं पाए। वे प्राणों का भय करते हुए व्याकुल से होकर आकाश मार्ग में उड़ने विचरने लगे। वहां पहले से ही डटे हुए जयंत व प्रवर ने अग्नि शिखा के समान अपने बाणों को बरसा कर उन्हें नष्ट कर दिया। भगवान शंकर के प्रधान पार्षद नंदी हजार पारशास्त्रों को लिए प्रद्युम्न के पास आकर बोले, हे यदुनंदन कुमार, बिल्वोदकेश्वर का आदेश है कि आप इन पारशास्त्रों से सभी विपक्षी राजाओं को बंधक बनाकर माया निर्मित गुफा में डाल दें। नंदी ने भी श्री कृष्ण को ऐसा ही सुझाव दिया कि वे शीघ्र ही दानवों का संहार कर दें। प्रद्युम्न ने तत्काल पाशास्त्रों का प्रयोग करते हुए सभी विपक्षी राजाओं को बांध कर माया निर्मित गुफा में डाल दिया और अपने ही पुत्र अनिरुद्ध को उनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। उन राजाओं के हाथियों, घोड़ों, रथों पर अपना एकाधिकार जमा लिया। अब प्रद्युम्न ने राजा ब्रह्मदत्त को भयमुक्त करते हुए कहा कि आप निर्भय होकर अपना यज्ञ गर्म करते रहें। देखिए, अर्जुन आदि पांडव गण आपकी रक्षा में खड़े हैं। इनके रहते किसी को भी देवताओं, दैत्यों, नागों आदि से भय नहीं रहता। असुरों द्वारा आपकी पुत्रियों का मन से ही भी स्पर्श नहीं किया गया है। आप यज्ञ मंडप में देखिए, मैंने आप अपनी माया शक्ति से उन सभी को छिपाकर वहीं रखा है।